कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। इसको लेकर कोरिया कांग्रेस ने बैकुंठपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव ने कहा कि राहुल गांधी की ये यात्रा अन्याय के खिलाफ आवाज है और कांग्रेस ये विश्वास दिला रही है कि उनके साथ न्याय दिलाने के लिए हर कांग्रेसी हमेशा तैयार रहेगा। वहीं इस विषय में जब भाजपा के जिला उपाध्यक्ष शैलेश शिवहरे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोदी के शासनकाल में हर कोई संतुष्ट है, सबका साथ सबका विकास के तौर पर देश में कार्य हो रहा है। वहीं सांप्रदायिकता के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में राष्ट्रपति भवन में पार्टी होती थी, वो क्या था, जबकि कभी नवरात्रि नहीं मनाई जाती थी, ये सांप्रदायिकता था। वहीं आपको बता दें कि न्याय यात्रा 9 और 10 फरवरी को दो दिन विश्राम करने के बाद 11 फरवरी को रायगढ़, सकती, कोरबा जिला होते हुए सरगुजा जिले पहुंचेगी। कोरिया से संवाददाता विशाल सिंह की रिपोर्ट। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे जिस तरह से आम जनता के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लोग न्याय के लिए अपनी आवाज उठाना बंद कर चुके हैं। चाहे वो किसानों की बात करें, चाहे युवा की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, चाहे जिस भी श्रेणी की बात करें, सब लोग अन्याय के खिलाफ आज के तारीख में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी की तरफ से ये जो यात्रा निकाली जा रही है, ये एक तरह से इस अन्याय के खिलाफ एक प्रोटेस्ट है। साथ ही सबको ये विश्वास दिला रही है कांग्रेस कि हर जगह उनके साथ न्याय मांगने के लिए हर कांग्रेसी हमेशा तैयार रहेगा। देखिए, आज कांग्रेस को क्यों आवश्यकता पड़ा कि न्याय यात्रा निकालने का? सबसे बड़े ढोंगी, पाखंडी, आडंबरवादी अगर किसी को कहा जाए तो कांग्रेस के लोग थे, जिन्होंने वर्षों तक इस देश पर राज किया और कभी भी उन्होंने संविधान का पालन नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का विकसित विकास हो रहा और जो भी न्यायालय के द्वारा आदेश हो रहे हैं उनका पालन हो रहा। कांग्रेस के लोग जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, इसके पहले राजभवन में, प्रधानमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री आवास में जो इफ्तार पार्टियां होती थी, भाई हमारे नवरात्र में तो क्यों नहीं होता था भाई? तो सांप्रदायिक तो ये कांग्रेस के लोग हैं। और आज जब पूरे देश और प्रदेश में अपनी स्थिति, इनकी धीरे धीरे स्थिति समाप्त की ओर जा रही, तो आज ये भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक के लिए केवल और केवल आरोप लगा रहे हैं